बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज एक वीडियो संदेश जारी कर राज्यवासियों को कोविड 2.0 के संक्रमण से बचने का संदेश दिया है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी बैठे हुए हैं। संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के सारे कोचिंग और शैक्षणिक संस्थान गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके अलावा पूर्व की तरह जो पाबंदियां हैं वो आगे भी जारी रहेगा। वही अब राज्य में शादी समारोह में मात्र 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। और क्या कुछ कह रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, आप खुद सुनिए। आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोगों ने इस संक्रमण को थोड़ा इसका जो रफ्तार है उस में कमी करने के लिए जो इन लोगों जो हम लोग का इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। जैसे कि अभी ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, इंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले